गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इनिशियली शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि नेशनल जीके के ऊपर आधारित है। इस पीरियड में हम जो नेशनल जीके है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने अवार्ड्स जो पुरस्कार हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, खेल साहित्य में, फिल्म साहित्य में, विज्ञान क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में कौन कौन से प्राइजेस दिए जाते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ प्राइजेस हमने डिस्कस किए थे, कुछ हम इस तरीके डिस्कस करेंगे और आगे वाली कक्षा में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तीन पुरस्कार जो थे हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किए, भारत रत्न पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके अलावा व्यास सम्मान पुरस्कार, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इनकी स्थापना के बारे में, किन किन को ये मिले हैं। आज हम इससे आगे करने वाले हैं। आज हम जिस पुरस्कार की सबसे पहले बात करेंगे वो है आपका मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 1983 में या 1983 में हुई थी। इस पुरस्कार ने क्या क्या दिया जाता है वो हम देखते हैं। ताम्रपत्र, शाल ओढ़ने वाली शाल होती है ना, शाल तथा वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। सबसे पहले यह पुरस्कार सी के नागराज राव कन्नड़ को दिया गया। वर्तमान में यह पुरस्कार कोला कलूरी इनोच खुद तेलुगु को दिया गया। एक बार लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सरस्वती सम्मान इस पुरस्कार के अंतर्गत
shall persist but प्रतीक्षिण दिया जाता है इसकी शुरुआत इस पुरस्कार की स्थापना उन्नीस सौ इक्यानवे में हुई थी सबसे पहले यह पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया बाद में श्रद्धा सचदेव डोगरी साहित्यकार आत्मकथा चित चेत को दिया गया अगला है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें प्रशस्त पत्र दिया जाता है पुरस्कार में प्रशस्त शिष्ट पत्र दिया जाता है इसकी स्थापना उन्नीस सौ चौवन में हुई माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले यह पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी हेमंत्रण गिनी
को दिया गया। बाद में रमेश चंद्र शाह हिंदी मनोहर उर्दू आदित्य जस और अंग्रेजी को दिया गया। इस अकादमी का उद्देश्य ठीक है इस अकादमी का या इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न भाषाओं को प्रोत्साहन देना है। देखिए ये कुछ आपके प्राइजेस हैं जो दिए गए, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार की। मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना जो है 1983 में या 1983 में हुई थी। इस पुरस्कार में तीन चीजें दी जाती हैं, एक तो ताम्र पत्र जिसमें मेंशन किया जाता है जिस बंदे को पुरस्कार मिला है, ठीक है, शाल दी जाती है और एक वाग देवी की प्रतिमा या मूर्ति दी जाती है। सबसे पहले ये जो मूर्ति पुरस्कार था ये सी के नागराज को कन्नड़ साहित्य के लिए दिया गया था, कन्नड़ भाषा जो कर्नाटक की है। वर्तमान में पुरस्कार जो है जो तेलुगु की भाषा के हैं जिनको कोला कलुरी इनोज को तेलुगु भाषा के अंतर्गत दिया गया है, तेलुगु भाषा के लिए दिया गया है। अगला जो पुरस्कार आता है जिसको सरस्वती पुरस्कार बोला जाता है, इस पुरस्कार में भी एक शाल प्रसिद्ध पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है सरस्वती का। इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में या 1991 में हुई थी। जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उनके जो पिता हैं हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध कवि लेखक, उनको ये पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में पद्दा सचदेव को डोगरी साहित्य के लिए आत्मकथा चित चेत को दिया गया, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगला पुरस्कार है। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और इसकी स्थापना जो है 1954 या 1994 में की गई थी। सबसे पहले यह पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एवं रचनाकार हैं जिनका नाम माखनलाल चतुर्वेदी है, हेमंत रगनी के लिए दिया गया था। बाद में रमेश चंद्र शाह को हिंदी और मनोहर को उर्दू साहित्य तथा जसवाला को अंग्रेजी के लिए दिया गया। इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो विभिन्न भाषाएं हैं हमारी उनको प्रोत्साहन देना है ताकि बढ़ चढ़ के इन भाषाओं के क्षेत्र में वो कार्य करें, इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं
अगला है आपका रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। रविंद्र नाथ टैगोर पुरस्कार इस पुरस्कार की स्थापना सन 2011 में हुई। सबसे पहले यह पुरस्कार दो हजार बारह में पंडित रविशंकर को दिया गया। बाद में यह पुरस्कार जुबीन मेहता को मिला। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिवस पर रविंद्रनाथ नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के 150वें जन्म दिवस पर सांस्कृतिक सौहार्द के लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार की स्थापना सन 2011 में हुई। सबसे पहले यह पुरस्कार 2012 में पंडित रविशंकर को दिया गया। बाद में यह पुरस्कार जुबीन मेहता को मिला। भारत सरकार ने, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इस पुरस्कार की स्थापना
जो 150वां जन्मदिवस था, आपको मालूम है पहले भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। 2011 में जब उनका 150वां या 150वां जन्मदिवस था, उनके जन्मदिवस पे संस्कृति को विकसित करने के लिए जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई, यह पुरस्कार शुरू किया गया संस्कृत को बढ़ाने के लिए उनके 150वें जन्म दिवस पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार भारत में पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई। 1954 में हुई थी भारत सरकार द्वारा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पद्म पुरस्कारों की संख्या 60 की से बढ़ाकर 109 कर दी गई। अब तक 112 लोगों को प्रदान किए गए पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें 10 पद्म विभूषण और 83 पद्मश्री। ठीक है,
तो ये आप बता सकते हो पद्म पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी भारत संस्कृत भारत सरकार द्वारा विभिन्न विशिष्ट उपलब्धियां जो अनेक क्षेत्रों में मिलती है कला साहित्य जो भी है उसमें उनको बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पहले ये 60 थी, वर्तमान में इसे बढ़ा के 109 कर दिया गया है और इसको अब तक 112 लोगों ने अचीव कर लिया है। इसे इनमें 10 पद्म विभूषण है और 19 पद्म भूषण और 83 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि 119 एक बार जब ये अचीवमेंट दी जाती है भारत पद्म पुरस्कार जब एक ईयर में दिया जाता है तो 109 कैंडिडेट्स को मिलता है, ठीक है। और 2016 में 112 लोगों को मिला, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें आप पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में कुछ और प्रश्न लेके, तब तक आप घर पे रहें, तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।